जय गुरुजी संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरुजी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग है। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब अनामिका आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनामिका, गुरु जी की संगत, दिल्ली के अंदर मैं रहती हूँ संगत जी। दिल्ली के अंदर मेरा अपना घर है और काफी टाइम से हम यहीं पे रह रहे हैं। दिल्ली में एक जगह है संगत जी, अशोक विहार करके, मैं वहां पे रहती हूँ। आप सब जानते ही होंगे, जो दिल्ली की संगत है उनको पता ही होगा कि अशोक विहार कहाँ पे है। संगत जी मैं आपको ये बता रही हूँ आज कि गुरु जी के पास जाना कोई आसान बात नहीं है। गुरु जी के पास सिर्फ वो ही जा सकता है जिसको गुरु जी ने बुलाया है। अपनी मर्जी से संगत जी कोई भी नहीं जा सकता गुरु जी के पास, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से अपने बेटे के साथ। संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल भी गुरु जी को मानता नहीं था। मानने का मतलब ये है कि ना वो गुरु जी के सत्संग में जाता था, ना गुरु जी के बड़े मंदिर में जाता था। संगत जी मैं बड़ी परेशान थी कि वो भी जुड़ जाए, वो भी जुड़ जाए गुरु जी महाराज को, वो भी माने जैसे मैं मानती हूँ, मेरे अंकल मानते हैं, वो भी गुरु जी की संगत बन जाए। पर संगत जी कहते हैं ना, किस्मत में देखो, ये सब कुछ किस्मत से मिलता है। संगत जी हम लोगों को गुरु जी मिले हैं ना, तो उसमें भी संगत जी हमारी किस्मत है। वरना संगत जी आजकल इतना खराब टाइम है, इतना खराब टाइम है कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरु जी महाराज हम सबकी लाइफ में आए हम सबकी परेशानियों को खत्म करने के लिए, वरना संगत जी उनको आने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बताओ, है ना। वो तो हमारे लिए ही आए हैं ना, हमारे लिए ही आए हैं संगत जी, हम सबके लिए। वो तो साक्षात शिव जी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए, अपनी संगत की परेशानियां खत्म करने के लिए। और कुछ सालों के लिए गुरु जी आए, कुछ सालों के अंदर उन्होंने इतना संगत को ब्लेस कर दिया, इतनी सारी संगत को ब्लेस कर दिया कि पूछो मत। आज की डेट में संगत जी, गुरु जी की करोड़ों में संगत है, करोड़ों में। कोई ऐसी दुनिया का कोना नहीं है जहां पे गुरु जी की संगत नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां गुरु जी की संगत नहीं है। संगत जी इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है गुरु महाराज जी की। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा गुरु जी को क्यों नहीं मानता था। संगत जी मैंने एक बार ही अपने बेटे को कहा, मेरे बेटे का नाम संगत जी अंकित है, मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा चल मैं गुरु जी के पास जा रही हूँ, तू भी चल पड़, माथा टेक के आ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, तुझे भी अच्छा लगेगा, घर में बैठ के क्या करेगा। संगत जी मेरा बेटा पता क्या कहता है, मुझे नहीं जाना मंदिरों के अंदर, ये क्या मंदिरों में जाने की उम्र है मेरी, मेरी तो उम्र घूमने फिरने वाली है, मैं मंदिरों में नहीं जाऊंगा। संगत जी बताओ आप, ऐसे तो आजकल बच्चे हैं संगत जी, समझाओ कुछ, और वो आगे से हमें ही समझाते हैं, है ना। आज की डेट में संगत जी आप अगर बच्चों को समझा रहे हो ना, तो वो आप समझाओ ही मत संगत जी, वो आगे से आप ही को समझा देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना। ऐसा संगत जी आजकल टाइम बड़ा खराब है। अब देखो आप, मेरे बेटे ने संगत जी नई नई गाड़ी ली, मैंने कहा बेटा देख तू
चाहे गुरुजी के पास, तू गुरुजी को मानता नहीं है, मैं ये बात मैं जानती हूँ, तू गुरुजी को नहीं मानता, तू ऐसा कर ले पहली मतलब कि ना गाड़ी को सीधा तू गुरुजी के बड़े मंदिर में ले जा, वहां माथा टिकवा के तू कहीं पे भी लेके जा, फिर जहाँ तेरी मर्जी है, जहाँ तुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, तूने पार्टी करने जाना है, तू जहाँ पे भी जा, पर सबसे पहले तू गुरुजी के बड़े मंदिर में जा। संगत जी, मेरी बात उसने नहीं मानी, ना मेरे अंकल की बात मानी, ना मेरी बात मानी संगत जी, उसने अपनी मनमानी करी। संगत जी, वो सीधा ले गया अपने दोस्तों के घर पे गाड़ी। अब नई गाड़ी थी काले रंग की। संगत जी, हो सकता है किस्मत में ना हो वो गाड़ी, पता नहीं संगत जी क्या हुआ, अभी गाड़ी ली ही थी उसी दिन ही शाम के टाइम। संगत जी, पता चलता है कि गाड़ी को एक मतलब ऐसे ट्रक वाले ने ऐसी मतलब टक्कर मार दी है कि उससे पूरा उसका डंट पड़ गया संगत जी। अब मत देखो आप, नई नई गाड़ी में डंट, संगत जी कितना मतलब अफसोस होता है, कितना दुख होता है देखकर, ये बात संगत जी मैं ही जान सकती हूँ, या आप में से जिनके साथ ऐसा हुआ है वो ही मतलब ऐसा देख सकते हैं। संगत जी, मैंने उसको बोला कि तू बेटा देख, तू माना नहीं ना मेरी बात, हो सकता है तेरे ये कर्म कटने हो, तेरे को ब्लेसिंग मिलनी हो, पर तूने मेरी सुनी नहीं। तू अगर गुरुजी के पास चला जाता तो आज तू आराम से बैठा होता, कोई तेरे को मतलब आराम से तेरी गाड़ी को भी कुछ ना होता। पर संगत जी, माननी नहीं होती बच्चों को आजकल, बच्चों को सिर्फ अपनी करनी है। वो हुआ देखो, उसका हर्जाना हमने भुगता संगत जी, पहले ही दिन गाड़ी ठुक गई। क्या मिला, क्या मिला संगत जी? मैं तो ये कहूंगी, आप अगर गुरुजी की सच्ची संगत हो ना, तो आप अपने बच्चों को भी लेके जाओ गुरुजी के पास। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले चले जाओ, अपने बच्चों को लेके जाओ संगत जी, क्योंकि देखो पता चलेगा उनको भी, उनको भी संगत जी, तभी पता चलेगा ना कि गुरुजी हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, गुरुजी के दर्शन करने हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है। ऐसे उनको कैसे पता चलेगा संगत जी, आप मुझे बताओ, ऐसे कहाँ पता चलेगा? तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप जब भी गुरुजी के सत्संग में जाते हो, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हो ना, अगर जाते हो तो संगत जी अपने बच्चों को भी साथ ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करो और ले जाओ, ताकि उनको पता चले कि हमने भी मतलब यहाँ जाना है। वरना संगत जी, बच्चों का शौक ही नहीं होता आजकल, आजकल के बच्चों के शौक ही अलग है, घूमना फिरना, मूवीज देखना, ये करना, वो चीजें भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है। संगत जी, बच्चे ही देखेंगे ना, अब यंग एज में संगत जी मतलब जो सारे शौक होते तभी होते हैं ना, बुढ़ापे में कहाँ शौक होते हैं किसी के, है ना? तो ये बात भी ठीक है संगत जी, मैं मना नहीं कर रही, पर उनका कहीं ना कहीं संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग भी उनको चाहिए, क्योंकि तभी तो कल्याण होगा, तभी तो उन सबका कल्याण हो पाएगा, उनको ब्लेसिंग मिलेगी, वो आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे अच्छी नौकरियां करेंगे, अच्छे बिजनेस करेंगे, अच्छे परिवार में आगे उनको उनकी शादियां होंगी, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। ऐसे आप बताओ, मेरा तो संगत जी यही है कि जब भी जाते हो बच्चों को साथ लेके जाओ, अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर अलग बात है संगत जी को, कि देखो आप भी समझदार हैं, फिर अगर मतलब कि बच्चे हैं अपने आगे से मतलब चल लेते हैं, तो उनको साथ लेके जाना चाहिए। बाकी आपको सत्संग कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ, शेयर करके बताओ। आजकल मैं देखती हूँ कोई भी संगत सत्संग को लाइक नहीं करती बिल्कुल भी, सो प्लीज संगत जी सत्संग को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और कमेंट करके जाना सत्संग कैसा लगा, ये तो मुझे पता है कि सत्संग आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, पर संगत जी कमेंट करके जाना, मैं एक एक कमेंट आपका जरूर पढ़ूंगी और पूरी पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।